मटन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पाव मटन लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मीट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुकर गर्म करने रख दिया और उसमें डाल दिया 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पे हमारा अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, तेज पत्ता, यहाँ पे मैंने 1 तेज पत्ता लिया जिसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, इनको अच्छे से थोड़ा सा होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन जिसको मैंने क्रश कर लिया है, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के प्याज लिए जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा प्याज एकदम भून के अच्छे से तैयार हो गया, आप देख सकते हो इसका कलर काफी चेंज हो गया है। अब हम इसे मिलाएंगे टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट, मैंने पहले से यहाँ पे बना के तैयार कर रखा है। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, इसको भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। टमाटर का पेस्ट डालते ही मैं इसमें डाल रही हूँ सभी मसाले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 3/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। अब हमारा टमाटर यहाँ पे अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 बड़ा चम्मच मीट मसाला, मीट मसाले को भी अच्छे से मिला लेंगे। मीट मसाला अच्छे से मिल गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, यहाँ पे मैंने जीरे को भून के पीस लिया है, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, भुने हुए जीरे के पाउडर को। अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है जिसको मैंने क्रश कर लिया मोटा मोटा, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ हमारा तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, जो हमने टमाटर पीसा था उसी के जार में मैं पानी डाल के इसमें मिला के इसमें डाल रही हूँ, ताकि जितना भी टमाटर हमारा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था जार में वो अच्छे से इसमें आ जाए। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे एक बार सबको अच्छे से, और फिर हमें मीट डाल देंगे जो हमने मीट धो के रखा हुआ है। ये देखिए इसमें हल्का हल्का बॉयल आने लगा है, अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। मीट में हमें बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि मीट में खुद का ही अपना बहुत पानी होता है। तो फिलहाल हमें सबको अच्छे से मिला लिया है, और अब हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे इसको मसाले के साथ। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने मीट को अच्छे से मसाले के साथ मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख लेंगे, और जब इसमें 4 सीटी आ जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट पकाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और जब इसका प्रेशर पूरा आउट हो जाए उसके बाद ही हम इसका कवर खोलेंगे। तो चलिए फिलहाल हम ढक्कन बंद करते हैं और 4 सीटी का इंतजार करते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मीट बनकर एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, डाल दिया धनिया पत्ता, इसको अच्छे से मिला लेंगे एक बार हम, और इसको फिर सर्व करने के लिए निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म मटन सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आशा करते हैं आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। Thank you.